अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.7। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला जो डिस्कस किए थे, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा था, ए प्लस बी स्क्वायर क्यूब के, क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा था, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में ही यही बताया गया है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के हमने क्या फाइंड करने हैं, बेसिकली क्यूब्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर आपको फॉर्मूला ये आप देखेंगे पेज नंबर, अगर आप 6.7 जहां पर एक्सरसाइज है उसके एक पेज बैक पर जाएंगे तो वहां पर फॉर्मूला ये लिखा भी हुआ है, प्लस का लिखा हुआ और नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉर्मूला माइनस का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम प्लस का फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस का भी यही फॉर्मूला है, ए प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस, जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर हमने माइनस लिख देना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x प्लस 10, ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है 3x प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर देखें 3x प्लस 10 का क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब, क्योंकि हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम अपने प्लस के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो कौन सा फॉर्मूला लगना था, तो माइनस का फॉर्मूला यहां पर लगना था। अब क्योंकि यहां पर प्लस आ गया तो यहां पर फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, यहां पर क्या आ जाएगा इसका क्यूब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 10 है, 10 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, b की वैल्यू ना, इसको मैंने लेट कर लिया, ये a की वैल्यू है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करके आते हैं कर आ रहे हैं, ठीक है। 3x इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया। अब a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल है, वो सामने फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको a की वैल्यू है 3x क्यूब आ जाएगा प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x है और b की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है इनटू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x है और प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। तो यहां पर हम इसका क्या ले लेंगे, क्यूब हमने लेना है, क्यूब लेना है। तो हम 3 क्यूब लेते हैं, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब का मतलब है कि वो नीचे जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा 27x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब आगे क्या है 10, अब 10 का भी हम क्या ले लेंगे, यहां पर क्यूब ले लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब पहले ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा 3x प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, फिर मैं समझा रहा हूं, ये देखें पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 10 के साथ, 3 3 9 सिंपली है 3 3 9 9 10 90 90x आ गया और आगे मैंने वैल्यू वैसे ही लिख दी है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 1000 प्लस, अब आगे क्या आ जाएगा, फिर वो दोनों वैल्यू पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ होगी, फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब 90 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 90 मल्टीप्लाई 3 270x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर्स ऐड होती है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी प्लस। अब 90 को मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, 90 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 900x आ जाएगा
एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने तरतीब सीक्वेंस वाइज हमने लिखना है, सबसे पहले बड़ी पावर आ जाएगी, फिर उसके बाद लोएस्ट पावर आ जाएगी, फिर लोएस्ट पावर आ जाएगी, फिर लोएस्ट पावर आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे हमने कॉन्स्टेंट नंबर लिख देना है। तो कैसे लिखने वो मैं बताता हूँ। 7x³ आ जाएगा बेसिकली, पहले 7x³ सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, 7x³ है, प्लस 270x² आ जाएगा, प्लस 900x आ जाएगा, सबसे बड़ी पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर, जो कि हमारे पास क्या आया था, 1000 आया था। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आगे इसका पार्ट नंबर 7 आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 7, 2m + 3n, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2m + 3n, मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ, 2m + 3n, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर क्या है, 7 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दिया क्या हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस वाला फार्मूला हमारे पास ये है, तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2m + 3n क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 2m इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब, प्लस 3n इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2m और 3m, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m है, और b की वैल्यू क्या है, 3n है, ठीक है। अब उसके बाद a प्लस b है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m प्लस 3n, ये हमारे पास क्या है, 2m + 3n a और b की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखें 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, m के ऊपर भी क्यूब। पहले मैंने आपको बताया था ऊपर पावर का मतलब ये होता है, अंदर जितनी वैल्यूज है वो सबकी पावर है। अगर 3 वैल्यूज होती है, यहाँ पर 4 वैल्यूज होती है, तो ये 4 की वैल्यूज की पावर बन जाती, ठीक है। अब ये जो पावर है, ये दोनों वैल्यूज की है, 2 की भी है और m की भी है। अगर मैं 2 का क्यूब ले लूंगा तो 8 आ जाएगा। क्यूब का मतलब क्या है, 2 क्यूब है, ये बेसिकली मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, अभी प्रूव करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। अब m के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 3 के ऊपर भी क्या है, क्यूब है, 3 × 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 27, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 27n³ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले 3 को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, 3 के साथ, अगली वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, क्या आएगा, 6 × 3 = 18 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, m और n आ जाएगा। इसी तरीके से 2m + 3n हमारे पास आ जाएगा, अगली वैल्यू मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 6 आ गया, 6 × 3 क्या होता है, 18 होता है, वो मैंने लिख दिया, साथ m और n लिख दिया, इक्वल टू 8m³ + 27n³ + अब 18 ने मल्टीप्लाई 2 के साथ होना है, सबसे पहले इस वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर किसके साथ होना है, अगली वैल्यू के साथ, दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो 18 × 2 क्या होता है, 36m²n। अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्क्वायर कैसे डाला है, तो मैंने आपको पहले कहा था मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स ऐड होती हैं, तो 1 पावर m पहले इधर है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और साथ n आ जाएगा, प्लस अब 18, आप 18 को मल्टीप्लाई करें आप 3 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 54, 18 3 टाइम 3 8 का कितना होता है, 24 होता है, 4 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 × 3 इधर 2 आएगा, सॉरी 3 × 8 = 24 होता है, हमारे पास ऊपर कैरी के आ गया 2 आ गया, अब 3 × 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब 54 हमारे पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने से आ गया 54, और साथ क्या आ जाएगा, m n स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कैसे आया, 1 और 1 पावर 2 हो गई, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 − 3a, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आगे मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 सॉल्व करवाता हूं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। देखें
8 में है 4 माइनस 3 है, ये हमारे पास है। अब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला a माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला यूज करना है हमने, ठीक है। अब देखें यहां पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 a क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये वैल्यू ऐड करते हैं a की, ये वैल्यू ऐड करते हैं b की, तो a माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू a माइनस b, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, 3 क्यूब आ जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्मूला क्लियर नजर आए, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास a क्यूब क्या है, a वैल्यू 4 है, 4 क्यूब आ जाएगा माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a का क्यूब आ जाएगा माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, और इसी तरीके से b की वैल्यू क्या है 3a है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से a माइनस बी है 4 माइनस 3a आ जाएगा, ठीक है। और अब देखें 4 का क्यूब कितना होता है, 4 को मल्टीप्लाई करने हमने 3 टाइम्स 4, 4 जा 16, 16 4 टाइम कितना होता है 64, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, क्यूब 64 आ जाएगा, माइनस 3 का क्यूब मैंने पहले बताया था 27, a क्यूब आ जाएगा माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ क्या आ जाएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 36a आ जाएगा, 4 माइनस 3a आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 36 होता है, और a साथ आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा 4 माइनस 3a, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 64 माइनस 27 a क्यूब माइनस, अब 36 है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, हम 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 4 144, यहां पर क्या आ जाएगा 144 a माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ 108 आ जाएगा, 108 a स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आया, पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लाई में, a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने इनको सीक्वेंस वाइज लिख देना, हमारा आंसर आ गया। अब इनको हमने क्या कर देना है, सीक्वेंस वाइज लिख देना, सीक्वेंस वाइज कैसे लिख देना, सबसे बड़ी पावर आ जाएगी फिर उससे छोटी आ जाएगी फिर उससे छोटी और एंड में कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या है, माइनस 27 a क्यूब, इसी तरीके से प्लस 108 a स्क्वायर माइनस 144 a और साथ क्या आ जाएगा प्लस 64 हमारे पास, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से 9 पार्ट भी ऐसे ही होने और 10 पार्ट भी ऐसे ही होने, 11 भी 12 भी, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 सॉल्व करवाता हूं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 की, 8 में सॉल्व करवा दिया था, अब 9 सॉल्व करते हैं। 3x plus 3y, फिर क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं अपना, 3x plus 3y, 3x plus 3y, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, ठीक है। अब देखें दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस में कौन सा फार्मूला यूज होता है, a प्लस बी वाला, प्लस का फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये हमने लेट किया 3x प्लस 3y, यहां पर क्या आ जाएगा इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब ने फाइंड क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है, तो यहां पर हमने लेट किया ये की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, b की, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x क्यूब आ जाएगा प्लस 3y इसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x है और b की वैल्यू क्या है 3y है, इंटू अब a प्लस बी है, a की वैल्यू क्या है 3x प्लस 3y हमारे पास क्या है b की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से 3 का क्यूब मैंने पहले आपको बताया था क्या होता है 27x क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27y का क्यूब आ जाएगा प्लस। अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 3 3 9 9 3 27 x और y आ जाएगा, ठीक है, x और y साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू 3x प्लस 3y हमारे पास ये साथ आ जाएगा, ठीक। अब देखें क्या करना है हमने, 27x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, अब हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ,
थ्री को 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, उसके बाद क्या करेंगे फिर 27 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 27 को 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या होता है 21, ऊपर 2 क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और 6 और 2 क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 81, 81 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 81 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले मैंने आपको कहा है क्या होती है पावर ऐड होती है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है 1 और 1 2 हो जाएगा ठीक है, और साथ y है, यहाँ पर y नहीं है तो हमने साथ लिख देना y। तो यहाँ पर जब हमने दूसरी वैल्यूज को सॉल्व किया 27 3 टाइम्स 81 x साथ आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होनी है 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसकी पावर ठीक है। अब इसी तरीके से 27 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस आप इसको क्या करें यही इसका आंसर है ठीक है, जो ऊपर मैंने वैल्यूज लिख दी हैं वो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है, आपने यहां तक ही इसका क्या कर देना है आंसर लिख देना अपना ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा, यहां पर मैं टूप कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आए ठीक है। तो बाकी वीडियोस भी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।